नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सलवार में तीन तरह से चुन्नट डालने के बेहतरीन तरीके बता रहे हैं। सबसे पहला तरीका जो हमारा रेगुलर है, सलवार के अंदर डालते हैं, वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी सलवार है। सबसे पहला तरीका हमारा, इस तरह से हम गेदर्स डालते हैं सलवार के अंदर। ये गेदर्स हम सलवार के अंदर डालते हैं हाथ की सहायता से। अगर किसी को बारीक गेदर पसंद है, सलवार बनानी है, तो इस तरह से आप गेदर डाल सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, यह चुन्नट आप सलवार में, सेमी पटियाला में और पटियाला में इन चुन्नट्स का यूज करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम लगाते हैं। गैपिंग बराबर और दोस्तों, तीसरा और बढ़िया तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपसे बराबर चुन्नट्स नहीं डलती हो, तो इस चम्मच का यूज करके आप बेहतरीन और बराबर चुन्नट्स लगा सकते हैं। इन चुन्नट्स का यूज आप पटियाला और सेमी पटियाला में यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लगाते हैं। ये वाला नोक है जो हम इस तरह से लगाएंगे इसमें, और इसे हम घुमा लेंगे इस तरह से, और यहां पर एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद फिर से हम इसे लगाएंगे, और फिर से हम इसे थोड़ा आप अंदर की तरफ भी डालना चाहें, बारीक चुन्नट डालना चाहें, तो इसे आप फुट को ऊपर उठाएंगे और इस चीज़ को आप अंदर की तरफ डाल दें। जितनी गैपिंग में डालेंगे उतनी ही बढ़िया रहेगी, छोटी छोटी इस तरह से। दोस्तों, आप चुन्नट्स डालने में कौन सा तरीका यूज करते हैं हमें जरूर बताएं। तो देखा दोस्तों, हमने बहुत ही कम समय में तीन तरह से चुन्नट्स डालने का तरीका देख लिया है और समझ लिया है। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।